दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ आपको सफल नहीं होने देती है। ऐसे में मन परेशान हो जाता है, कई बार तो खुद पर से भरोसा उठने लगता है। मगर वास्तुशास्त्र में इस समस्या का हल है। वास्तुशास्त्र में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप नकारात्मक शक्तियों को खुद से और घर से दूर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में एक ऐसा महा उपाय जिसके करने से ना केवल आपके जीवन में सुख संपदा आएगी बल्कि आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सा ऐसा वो महा उपाय है जो कि आपके जीवन को अपार सफलता दिला सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, जैसे सप्ताह के सात दिन इंद्रधनुष के सात रंग, सप्तऋषि शादी में सप्तपदी और सात जन्म इत्यादि का स्थान कई सारे शास्त्रों में प्राप्त है, उसी तरह से सात घोड़े की तस्वीर को वास्तुशास्त्र में सर्वोत्तम माना गया है। माना जाता है सात घोड़े की तस्वीर अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो यह आपके लिए बेहद शुभ होता है। लेकिन सात घोड़ों की तस्वीर को लगाते वक्त आपको इसके सही दिशा का खास तौर पर ध्यान रखना है, तभी आपको इससे अच्छा फल मिलेगा। नहीं तो आप पर इस तस्वीर का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है और आपको फायदे की जगह उल्टा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ऐसे में अगर आपने घर में पहले से ही सात घोड़े की तस्वीर लगा रखी है तो आपको यह वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, और अगर आपने नहीं लगाया है तब आपको लगाने के लिए भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सात दौड़ते घोड़े की पेंटिंग आपको कई मामलों में सफलता दिला सकती है। आपने कभी सोचा है कि पेंटिंग में हमेशा सात दौड़ते हुए घोड़े को ही क्यों प्रदर्शित किया जाता है? दरअसल शास्त्रों के अनुसार सात अंक सार्वभौमिक या फिर प्राकृतिक माना जाता है। सात घोड़ों की तस्वीर को सर्वोत्तम माना गया है, मगर इसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही दिशा में लगाने से ही अच्छा फल मिलता है। आइए जानते हैं कि घोड़े की ये पेंटिंग किस दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप घर में सात घोड़ों के रथ पर सवार सूर्य देव की पेंटिंग लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। अगर आपको शुभ फल चाहिए तो आपको पूर्व दिशा में इस पेंटिंग को लगाना चाहिए। यदि आप कार्य क्षेत्र में पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसे में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर घर की केवल उत्तर दिशा में ही लगाना शुभ माना जाता है। जीवन में नाम, यश और सम्मान पाने के इच्छुक है तो घर के दक्षिण दिशा में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगा सकते हैं। इससे आपको जीवन में जल्दी तरक्की मिलेगी और चारों दिशा में आपका नाम काफ़ी तेजी से फैलेगा, लोग आपकी काफ़ी तारीफ करेंगे। यदि आप दक्षिण दिशा में दौड़ते हुए घोड़ों की पेंटिंग नहीं लगा पा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार की खिड़की पर दौड़ते हुए घोड़े की मूर्ति रख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि घोड़े का मुंह खिड़की से बाहर देख रहा हो। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आप पश्चिम दिशा में आर्टिफिशियल घोड़े का जोड़ा रखें, इससे घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। सफ़ेद घोड़े सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। आप जहां भी यह तस्वीर लगाएं, ध्यान रखें कि उसमें सफ़ेद घोड़े ही हो। यह घर और ऑफिस की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।